गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड वन। हम लोग एट यानी मेजरमेंट पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको एक्सरसाइज एट सी पढ़ाऊंगी। मेजरमेंट का मतलब आपने समझा, मेजरमेंट का मतलब होता है नापना या तोलना, इसको हम मेजर करना कहते हैं। जब हम टेलर के पास अपने ड्रेस को स्टिच करवाने जाते हैं तो दर्जी या टेलर हमारा क्या लेता है, मेजरमेंट लेता है, हमारे हाइट को नापता है, हमारे शर्ट के हाइट को, हमारा शर्ट कितना लंबा होना चाहिए, हमारा पैंट कितना लंबा होना चाहिए, हमारा फ्रॉक कितना लंबा होना चाहिए, तो वो मेजर करता है, उसी को हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। जब हम लोग मार्केट जाते हैं ग्रोसरी के दुकान में या वेजिटेबल्स के दुकान में तो वो भी मेजर करके हम लोग को देता है तराजू में, तो उसे भी हम मेजरमेंट कहते हैं। आपने इसे पहले पढ़ा है, मैंने एक बार फिर आपको बता दिया। अब हम 8C यानी पेज नंबर 122 को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ तीन मेजरमेंट है, 1 2 3 4, चार बना हुआ है, बैलेंसिंग मेजर है, इसमें ए है। और ये यहाँ पे दिया है कि ये जो बॉक्स है स्टैंड फॉर 1 यूनिट, ये ऐसा बॉक्स स्टैंड कितना करता है, 1 यूनिट का। बी में भी आप देख लो ये बना हुआ है, सी में भी ये बना हुआ है और डी में भी बना हुआ है। अब यहाँ क्वेश्चन राइज कर रहा है, द वेट ऑफ बॉक्स ए इज, तो ए में कितने बॉक्स हैं, जो कितना यूनिट होता है। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि एक ये जो बॉक्स है 1 यूनिट हम लोग को शो करता है। तब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 यूनिट है, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे। अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, द वेट ऑफ बॉक्स बी इज, कितना यूनिट। अब बी का बॉक्स हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5 यूनिट। उसी तरह यहाँ पूछ रहा है सी में कितना है, तो सी में फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ हम 10 लिख देंगे। उसके बाद डी का पूछ रहा है कि वेट द वेट ऑफ बॉक्स डी इज कितना यूनिट, तो यहाँ पर 1 2 3 यानी कि 3 यूनिट। अब यहाँ पे है 5 में क्वेश्चन अराइज कर रहा है, बॉक्स इज द लाइटेस्ट। अब इसमें देखिए तो सबसे लाइटेस्ट बॉक्स कौन सा है, सबसे कम यूनिट किस में है, तो आपने देखा डी में, तो आप यहाँ डी फिल करेंगे। और सबसे हेवीएस्ट कौन है, इसमें सबसे हेवीएस्ट कौन है, सबसे ज्यादा यूनिट किस में है, तो सी में है, तो हम यहाँ सी फिल करेंगे। अब है ये पूछ रहा है कि बॉक्स एंड आर हेवियर देन बी और डी, कौन बॉक्स हेवियर है बी और डी से, तो यहाँ ए देखिए, ए में आपका कितना यूनिट है, 9, और सी में 10, तो 10 यानी सी एंड ए आर हेवियर देन बी और डी, बी और डी से वो ए सी और ए या ए और सी हेवियर है। अब बॉक्सेस आर लाइटर देन बॉक्स ए, लाइटर कौन है उसमें, सबसे लाइटर किसमें कम यूनिट है, तो देखिए आप इसमें कम यूनिट है बी और डी में, तो यहाँ हम बी लिखेंगे और यहाँ डी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में, अरेंज द बॉक्सेस ए टू डी फ्रॉम द हेवीएस्ट टू द लाइटेस्ट, यहाँ हमको इसको हेवीएस्ट टू लाइटेस्ट में यानी इसके हमको डिस्क्रीजिंग ऑर्डर में इसको करना है, तो पहले क्या होगा, सबसे हेवीएस्ट कौन है आपका, देखिए सी है, तो पहले हम सी लिखेंगे, है ना। उसके बाद कौन हैवीएस्ट है, ए है, उसके बाद क्या है, बी है और डी है, तो हैवीएस्ट टू लाइटेस्ट की तरफ हम आए। अब आपने इसको पढ़ लिया, इस लेसन को आपने समझा कि इसमें क्या करना है। बच्चों ये मेजरमेंट है, इसको कुछ नहीं, आप लोग ध्यान से देखो और आपके डे टू डे लाइफ में ये सब रोज के हम लोग रोज का काम करते वही चीज़ है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है।
ध्यान से देखना है और इस चैप्टर को बनाना है। बुक्स में भी बनाएंगे और कॉपी में भी बनाएंगे, ठीक है ना बच्चों? तो आपको समझ में आ गया मेजरमेंट क्या है? दैट्स ऑल, थैंक यू।